भारत ने अंदर ही अंदर कर डाला नामुमकिन काम। तेजस और एम का छोड़ो, राफेल को खुद बनाएगा भारत। भारत बनेगा हवाई ताकत का एशिया का नंबर वन देश। इधर भारत की शान टाटा देने वाला है भारत को वो फाइटर, जो चीन हो या पाकिस्तान दोनों पर पड़ने वाला है भारी। भारत एक ही झटके में हो गया चीन से भी आगे। दोस्तों, भारत आने वाले दिनों में आसमानी ताकत का बेताज बादशाह बनने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं कि भारत तेजस मार्क 2 बना रहा है, एम का फाइटर जेट बना रहा है, या फिर अग्नि 6 मिसाइल तैयार कर रहा है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि भारत ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर रहा है। तो बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं, ये सारे के सारे हथियार तो भारत बना ही रहा है, और वो भी बुलेट की रफ्तार के साथ बना रहा है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सुपर झटका देने वाले हैं। हम आपको भारत के एक ऐसे बड़े प्रोजेक्ट की जानकारी देने वाले हैं जिससे भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है और एशिया में ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। और दोस्तों, ऐसा किया है भारत की शान टाटा ग्रुप ने, क्योंकि इस कंपनी ने देश की जरूरतों और दुश्मनों को देखते हुए भारत को ऐसा विशाल एयरक्राफ्ट सौंपने का फैसला किया है कि यह विमान हर वो काम कर सकता है जो बाकी देश के अलग अलग विमान करते हैं। आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि हम ऐसे किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, तो आपके सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, आपका देश के वैज्ञानिकों और देश की शान टाटा ग्रुप के सपोर्ट में अपना एक लाइक इस वीडियो पर जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, जिस रास्ते पर अमेरिका चलकर आज सुपर पावर बन चुका है, आज भारत भी उसी रास्ते पर है। आज अमेरिका में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां ही वहां पर दुनिया के सबसे एडवांस हथियार तैयार करती हैं, और अब इसी ट्रैक पर भारत है। भारत अब एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजी को अपने ही देश में बना लेने का दम रखता है। उदाहरण के लिए, भविष्य में अगर राफेल जैसे फाइटर जेट के नेक्स्ट वर्जन आपको भारत में बनते हुए दिखाई दें, तो आपको हैरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फ्रांसीसी डिफेंस कंपनी दसॉल्ट भारत में राफेल फाइटर जेट को बनाने पर विचार कर रही है। और ये खुलासा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। उन्होंने कहा कि फ्रांस से ही डिफेंस कंपनी दसॉल्ट नागपुर के मेहान सेज में राफेल फाइटर जेट्स बनाएगी, जिसका इस्तेमाल न केवल भारतीय सेना के द्वारा किया जाएगा, बल्कि अन्य देशों को भी एक्सपोर्ट इसे किया जाएगा। भारत में कंपनी इस प्रोजेक्ट को रिलायंस ग्रुप के साथ पूरा करेगी, यानी कि भारत अगर पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनियों को भी प्रोत्साहन दे रहा है, और प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनियां भारत में ऐसी टेक्नोलॉजी ला रही हैं जो अभी तक एशिया में किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है। चलिए अब उस फाइटर जेट की बात की जाए, तो ऑल इन वन होगा, यानी कि सारे काम खुद करेगा, यानी दुश्मन देशों पर एयर स्ट्राइक से लेकर ट्रांसपोर्ट और रेस्क्यू तक सब कुछ एक साथ। हिंदुस्तान की धरती पर बन रहा है विशाल सबसे नया योद्धा, जो काम तेजस राफेल भी नहीं कर पाएंगे वो काम कर लेगा ये योद्धा। दरअसल दोस्तों, कुछ समय पहले भारत सरकार की तरफ से टाटा ग्रुप को 22,000 करोड़ रुपए का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सौंपा गया है, जिस प्रोजेक्ट की मदद से भारतीय वायुसेना को एक खास विमान प्राप्त होगा। इस विमान की मदद से भारत किसी भी देश पर एयर स्ट्राइक या किसी भी तरह के हवाई कार्रवाई को अंजाम दे सकता है। यही कारण है कि प्रोजेक्ट के बारे में जानने के बाद भारत के सारे दुश्मनों में खौफ पैदा हो चुका है। टाटा के द्वारा तैयार किए जा रहे इस विमान की कुछ खास बातें निकलकर सामने आई हैं। बताया जाता है कि इस विमान में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा जो अमेरिका जैसे सुपर पावर के पास भी मौजूद नहीं होगी। भारत सरकार का सहयोग करने के लिए, भारत सरकार के सपने को पूरा करने के लिए टाटा डिफेंस के वैज्ञानिकों ने बड़ी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लिया है, जिसके तहत टाटा ग्रुप के वैज्ञानिक एक ऐसे विमान को बनाकर भारतीय वायुसेना को देने जा रहे हैं, जिसका नाम सुनते ही भारत के दुश्मनों की रूह कांप जाएगी। इस प्रोजेक्ट में टाटा ग्रुप को सहयोग देने के लिए एक यूरोपीय कंपनी भी निकलकर सामने आई है। टाटा ग्रुप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेगा और भारत को उस मुकाम तक पहुंचा देगा जहां तक पहुंचने के बारे में चीन जैसे देशों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दरअसल भारत सरकार की तरफ से टाटा ग्रुप को भारतीय वायुसेना के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट विमानों को तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें यूरोपीय कंपनी एयरबस टाटा ग्रुप के वैज्ञानिकों की मदद करेगी।
इस डील के तहत 56 C-295 ट्रांसपोर्ट विमानों का निर्माण किया जाएगा। इनमें से 16 विमान स्पेन से बनकर भारत आएंगे और बाकी के 40 विमानों को गुजरात के वडोदरा में तैयार किया जाएगा। स्पेन में बनने वाले 16 विमानों में से एक विमान भारतीय वायुसेना को प्राप्त भी हो चुका है। 13 सितंबर 2023 को वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल वीआर चौधरी ने स्पेन में एयरबस कंपनी के अधिकारियों से आधिकारिक तौर पर इस विमान को रिसीव किया। दोस्तों, C-295 ट्रांसपोर्ट विमान ऐसा विमान होगा जिसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना के साथ साथ आम नागरिकों के लिए भी किया जा सकेगा। इसके बन जाने के बाद भारतीय वायुसेना अपने पुराने ट्रांसपोर्ट विमानों को रिटायर कर देगी, क्योंकि भारतीय वायुसेना में मौजूद लगभग सभी ट्रांसपोर्ट विमान अपने 60 साल की सेवा भारतीय वायुसेना को प्रदान कर चुके हैं। टाटा एयरबस के बीच हुई इस डील के तहत 16 ट्रांसपोर्ट विमान स्पेन से 40 महीनों के अंदर तैयार होकर भारत पहुंच जाएंगे और बाकी के 40 विमानों का निर्माण भारत में स्वदेशी तरीके से किया जाएगा। और इसी को लेकर टाटा के द्वारा गुजरात के वडोदरा में एक फैक्ट्री स्थापित की जा रही है, जो साल 2026 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। इतनी ताकत वाला होगा मेड इन इंडिया विमान, दुनिया क्यों इस विमान की तरफ देख रही है? भारत में ऐसा पहली बार देखने को मिलेगा जब किसी निजी कंपनी के द्वारा सैन्य विमानों का निर्माण भारतीय वायुसेना के लिए किया जाएगा। यहां तक कि अभी एशिया में मौजूद किसी भी देश में ट्रांसपोर्ट विमानों का निर्माण नहीं किया जा रहा है, यानी इस मामले में चीन भी भारत से पिछड़ चुका है। लेकिन अब कई लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा कि इस विमान के भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद भारतीय वायुसेना को फायदा क्या होगा? इन विमानों को अगर भारत में तैयार किया जाता है तो इससे देश को क्या फायदा होगा, देश की जनता को क्या फायदा होगा? तो दोस्तों, आपको बताएं कि ये ट्रांसपोर्ट विमान सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के साथ भारत में ही तैयार किए जाएंगे, जिस वजह से भारत में एयरोस्पेस इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। पूरे एशिया में भारत ऐसा पहला देश होगा जिसकी जमीन पर ट्रांसपोर्ट विमान का निर्माण किया जाएगा, यानी चीन जैसे देशों का चेहरा शर्म से पीला होना तो तय है। टाटा ग्रुप के द्वारा तैयार किया गया भारत का पहला मेक इन इंडिया विमान भारतीय वायुसेना को 2028 तक प्राप्त हो जाएगा। इसके अंदर लगने वाले सभी पुर्जे भारत में ही तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा बताया तो ये भी जा रहा है कि आने वाले वक्त में टाटा ग्रुप के वैज्ञानिक कमर्शियल प्लेन बनाने का भी काम करेंगे। अगर बात करें C-295 ट्रांसपोर्ट विमानों की खासियत के बारे में, तो ये विमान किसी भी मौसम में उड़ान भरने की क्षमता रखता है, जो रेगिस्तान से लेकर समंदर तक बेहद गर्म से लेकर बेहद ठंडे वाले तापमान में दिन रात काम कर सकता है। इस विमान के कई वेरिएंट में इसे तब्दील भी किया जा सकता है। C-295 ट्रांसपोर्ट विमान तो एक वाटर बॉम्बर, एयर टैंकर और रेस्क्यू मिशन में इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इस विमान में सबसे लंबा कैबिन दिया गया है, जिसकी लंबाई 12.7 मीटर है। यूरोपीय कंपनी एयरबस का दावा है कि यह विमान एक बार में 70 जवानों को सीमा तक पहुंचा सकता है। इसके अलावा इस विमान में खासियत यह भी है कि यह लगातार 11 घंटे तक आसमान में उड़ान भर सकता है। साथ ही यह खराब से खराब इलाकों में हथियार को पहुंचाने की क्षमता रखता है। C-295 ट्रांसपोर्ट विमान अपने छोटे टेक ऑफ और छोटे रनवे पर लैंडिंग के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। ऐसे में यह विमान हमारी सेना की ताकत को कितना बढ़ा देगा, इसका अंदाजा आप भी आसानी से लगा सकते हैं। धन्यवाद।